मैं जितना तुम्हें देखूं भरे, मैं जितना तुम्हें सोचूं ना भरे, इन आँखों में सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, फिर से एक न्यू ट्रेंडिंग वीडियो एडिटिंग लेके आ गया हूँ। तो गाइस, अभी जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में जो प्रीव्यू देखा है, तो गाइस कुछ इस तरीके का ही वीडियो एडिटिंग करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप भी अपनी इमेजेस लगाकर उस कुछ इस प्रकार की वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो जो अभी आपने वीडियो के स्टार्टिंग में जो प्रीव्यू देखा है, तो वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक वॉच करते रहना। तो गाइस, सबसे पहले अपने अलाइट मोशन एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट के ऑप्शन में क्लिक कर लेता हूं और यहां पर आपको एक बीट मार प्रोजेक्ट मिल जाएगा और एक आपको यहां पर प्रीसेट इफेक्ट मिल जाएगा। तो इन दोनों प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर लेना है। अब गाइस, इंपोर्ट नहीं करना आता है तो उसके ऊपर एक वीडियो अभी रिसेंट में बना दिया हूं, तो उस वीडियो को पहले जाकर जरूर देख लीजिएगा। ओके, अब यहां पर देखो, सबसे पहले यहां पर आपको नीचे देख दो सॉन्ग देखने को मिल जाएगा और ऊपर आपको लिरिक्स देखने को मिल जाएगा, इमोजिस मिल जाएंगे और यहाँ तक आज अपनी लिरिक्स और इमोजिस रहेगा। और उसके बाद में 10.20 सेकंड के बाद में इधर जितने भी बीट मार्क है इन सभी में अपनी इमेज को हम ऐड करेंगे। तो क्या सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर जो लिरिक्स की जो फॉन्ट होगा ना, उसको आपने डाउनलोड करके लाइट मोशन में ऐड कर लेना, तभी आपकी लिरिक्स कुछ इस तरीके से दिखेगा और इमोजी भी कुछ इस तरीके से दिखेगा। नहीं तो अभी आपका नॉर्मल दिख रहा होगा, जैसे मेरा दिख रहा है वैसे आपका नहीं दिख रहा होगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले दो फॉन्ट मिल जाएगा, एक तो iOS वाली और ये एक टेक्स्ट वाली। तो पहले यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको टैप कर लेना इमोजी पे और एडिट टेक्स्ट में आ जाना। अब इसको डिलीट कर लेना। अब यहाँ पे इमोजी को सिलेक्ट करके जो भी इमोजी आप सिलेक्ट करना चाहते हो, यहाँ पर देख सकते हो, तो इमोजी को आप यहाँ पे इजीली सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे इस ऑप्शन में क्लिक करके व्यू ऑल पे आ जाना। यहाँ पे एक फॉन्ट को मैंने दिया हुआ है जिसका नाम है iOS, तो इसको आपने सिलेक्ट करके सर्च कर लेना, तो इमोजी कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब फॉन्ट को कैसे ऐड करते हो देखते रहो। तो ग्रुप एंड मास्क में आना, एडिट ग्रुप में आना। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो इस ग्रुप वाले ऑप्शन को टैप कर लेना और एडिट ग्रुप में आओगे तो ऊपर देख सकते हो, तो यहाँ पर हार्ट वाली मिल जाएगी, तो इसको भी डिलीट कर सकते हो। और यहाँ पर फिर से इमोजी में आकर जो भी इमोजी चाहिए सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर फिर से सर्च में चले जाना, व्यू ऑल फॉन्ट्स में क्लिक करके और iOS वाली फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है। फिर से इस वाले हार्ट को टैप करके इसको भी मैं डिलीट कर लेता हूँ। फिर से गाइस, यहाँ पर क्लिक करके इस हार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर से वही iOS वाली फॉन्ट जो है उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो ये हमारी हार्ट वाली हो चुकी है। अब नीचे देखो लिरिक्स मिलेगा, तो यहाँ पर टैप कर लेना और एडिट टेक्स्ट में आ जाना है और यहाँ पर सिंपली व्यू ऑल फॉन्ट्स में आके थ्री डॉट पे आके इंपोर्ट फॉन्ट्स पे क्लिक कर लेना, जहाँ भी उस फॉन्ट को आपने डाउनलोड करके रखा होगा फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है और सर्च में आके उस फॉन्ट को लिख लेना है। ठीक है, तो देखो ये वाला फॉन्ट है, जैसे DOC लिखोगे ऐसे का ये वाला फॉन्ट आ जाएगा। अब ये नाम जो भी है देख लेना और सिलेक्ट कर लेना, फिर नीचे वाले लिरिक्स को भी टैप करके फिर उसी फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना, तो कुछ इस तरीके से आपकी टेक्स्ट हो जाएगा। ओके, और जितना भी ग्रुप है ना, सभी पे आपने कुछ इस तरीके से क्लिक करते जाना है और अपनी फॉन्ट को और इमोजीज को चेंज कर लेना है। इतना करने के बाद में ये लास्ट में अब ये बच चुका है, जिसको टैप करके टाइमर पे आके इसकी ड्यूरेशन एंड तक कर लेंगे, उसको भी क्लिक करके ग्रुप को भी टाइमर पे आके ड्यूरेशन यहाँ तक कर लेंगे। जब इतना हो जाएगा तब अपनी फोटोज़ को ऐड कर लेना। तो प्लस में आकर मैं मीडिया के ऑप्शन में आ जाता हूँ और गाइज यहाँ पर मैं भी फिलहाल के लिए रैंडम फोटो को ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि जो फोटो के यानी कि जिस मॉडल की फोटो से मैंने वीडियो एडिटिंग किया था वो दूसरे दूसरे फोल्डर में, तो ढूंढने में टाइम लग जाएगा। चलो मैं बाद में ऐड कर लूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूं। कुछ इस तरीके से फोटोज को ऐड कर लेना और यहां पर जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा यहां तक बीट मार्क तक आके ट्रिम कर लेना। फिर प्लस में आके गाइस यहां पर नेक्स्ट इमेज को ऐड कर लेना आपने और यहां से फिर से मूव एंड ट्रांसफर में आके गाइस फिर से आपने उसी इमेज को यहां पर फुल स्क्रीन कर लेना है और सेंटर में फिक्स कर लेना है और जहां तक बीट मार्क इस ऑप्शन में क्लिक करके आके एक्स्ट्रा पार्ट को इस ऑप्शन में क्लिक करके कट कर लेना है। फिर प्लस में आके गाइस फिर से यहां पर नेक्स्ट इमेज को ऐड करके मूव एंड ट्रांसफर पर में क्लिक कर लेना है। फिर से इसको भी गाइस फुल स्क्रीन करके सेंटर में फिक्स कर लेना है। जहां तक बीट मार्क आके यहां तक इस ऑप्शन में क्लिक करोगे तो ड्यूरेशन यहां तक आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। चलो पहले फोटोज को मैं ऐड कर लेता हूं, फिर आपको बताता हूं कि इफेक्ट वगैरह को कैसे ऐड करना।
तो गाइज यहाँ पर मैंने सभी इमेज को ऐड कर लिया है, तो कुछ इस तरीके से आपने भी सभी इमेजेस को ऐड कर लेना है। अभी हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में आ जाना है और एक प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे एक शेप को ऐड करके इसको फुल स्क्रीन कर लीजिएगा। कलर एंड फिल में आके ब्लैक कलर को ऐड कर लेना है और जहाँ तक अपनी लिरिक्स की ड्यूरेशन है ना गाइज, यहाँ तक अपने कर देना है, ठीक है, 10.21 सेकेंड तक। उसके बाद इफेक्ट में आके एड इफेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पर अपने सर्च कर लेना है सिंपल स्टार फील्ड, और यहाँ पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग्स को ऑन कर लेना और पोजीशन में 0Z जाके आपको क्लिक कर लेना। एक स्टार्टिंग में प्लस लगा देना इसके, एक इसकी एंड में जाके प्लस लगा लीजिएगा और इसको इंक्रीज कर लीजिएगा। उसके बाद में बैक होकर ब्लेंडिंग एंड ओपासिटी में आके लाइटन में आके स्क्रीन की ऑप्शन को आपने इनेबल कर लेना है। तो देखो कुछ इस तरीके से ये हो चुका है। अभी हमने क्या करना है, अपने सभी इमेज पे हमने ऐड करना इफेक्ट को, तो उसके लिए हम बैक हो जाएंगे और प्रोजेक्ट के ऑप्शन में आके प्रीसेट में आएंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट में मिल जाएगा देन सेकंड में। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को क्लिक कर लेना, इफेक्ट में आके 3 डॉट पे आके कॉपी इफेक्ट करके बीट मार्क में आ जाइएगा। ओके, अब यहाँ पे आने के बाद हमने क्या करना है गाइज, अपनी आगे की तरफ आ जाना और यहाँ पे देखो जहाँ जहाँ पर डबल बीट मार्क है जैसे कि इस फोटो को, तो टैप कर लेना मूव एंड या इस वाले इफेक्ट में आ जाना है और 3 डॉट पे आके पेस्ट इफेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पर डबल बीट मार्क इसको भी क्लिक करके इफेक्ट में आके 3 डॉट पे आके पेस्ट इफेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पे भी डबल बीट मार्क है तो इस फोटो को भी क्लिक करके इफेक्ट में आके पेस्ट इफेक्ट कर लेना, इस फोटो को भी क्लिक करके इफेक्ट में आके पेस्ट इफेक्ट कर लेना। तो जहाँ जहाँ पर आपको डबल बीट मार्क शो हो रहा है ना गाइज, उन सभी फोटोज़ को आपने क्लिक करके ये वाली इफेक्ट को ऐड कर लेना है। तो ये वीडियो की एंड तक आप कर सकते हो इजीली, तो कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद में बैक होके फिर से प्रीसेट में आना, तो अब सेकंड नंबर का जो प्रीसेट मिलेगा इसको क्लिक करके इफेक्ट में आ जाना, 3 डॉट पे आके कॉपी इफेक्ट कर लीजिएगा और बीट मार्क के आप यानी बीट मार्क में आपने आ जाना है। अब जो डबल बीट मार्क वाली फोटोज़ पे हमने इफेक्ट ऐड किया है उसको छोड़ देना, बाकी अब जितने भी बीट मार्क वाली फ़ोटो बच जाएगी ना डबल बीट मार्क को छोड़ के, उन सभी नॉर्मल फोटोज़ को क्लिक कर लेना इफेक्ट में आके 3 डॉट पे आके पेस्ट इफेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पर इस फोटो को भी क्लिक करेंगे, इफेक्ट में आके 3 डॉट पे आके पेस्ट इफेक्ट कर लेना, इधर भी क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर लेना। फिर यहाँ भी गाइज आपने ऐड कर लेना, यहाँ भी ऐड कर लेना है, फिर से यहाँ भी गाइज आपने ऐड कर लेना है, यहाँ भी ऐड कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से वीडियो के एंड तक आप इजिली कर लेना, ठीक है। अब इतना कहने के बाद बैक होकर फिर से प्रीसेट में आ जाएंगे, ऊपर हमें यहाँ पर देख सकते हो 4 HDR इफेक्ट मिल जाएगा, तो चारों को एक एक करके सिलेक्ट कर लीजिएगा और प्लस में आके कॉपी 4 लेयर करके बैक होकर बीट मार्क में हमने आ जाना है। अभी गाइज हमने क्या करना है, जहाँ से हमारी लिरिक्स खत्म हो जाएगी 10 सेकंड तक, तो वहाँ पे आ जाना है। अब प्लस में आके पेस्ट 4 लेयर करके इस HDR को हमने पेस्ट कर देना है। इसकी ड्यूरेशन को मैंने पहले से एंड तक करके रखा हुआ है, तो आपको लास्ट तक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। फाइनली हमारी वीडियो बन के रेडी हो चुका है, तो देख सकते हो कुछ इस तरीके की वीडियो एडिटिंग आप भी बहुत ईजिली कर सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बस शेयर पर क्लिक कर लेना, देन एक्सपोर्ट पर क्लिक करके वीडियो को गैलरी में सेव कर लीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।